तो गुड मॉर्निंग गाइस। तो नया ब्लॉग शुरू किया जाए नए अंदाज में। तो खेती का सीजन शुरू हो गया है, तो हो गया है हमारा पूजा पाठ। और चलिए शुरू करते हैं। गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय ब्लॉग। तो गाइस देखिए, यहाँ पे सब लोग पूरा धान रोप रहे हैं। हमारे ये क्या इबरानी क्या कर रही हो, तुमको कैसा फीलिंग हो रहा है यहाँ पे धान रोप के? बहुत अच्छा फीलिंग हो रहा है यहाँ पर धान रोप के। गांव में रह के धान रोपना तो चाहिए ना। हाँ। अच्छा लगता है कि नहीं? हाँ, अच्छा लग रहा है। हाँ, तो अभी ये सब प्रो प्लेयर का जैसा रोपेगा इबरानी, एक ही मिनट में मैंने पूरा ये डोबा ख़त्म कर देगा। देखिएगा, बहुत प्रो प्लेयर है हम लोग के गाँव के लोग। और यहाँ पे धान रोपते रोपते शर्माते हुए। और देखिए गाइस, ये हमारे यहाँ पे ऐसे ऐसे रोपते हैं, बीच से एकदम घुरा घुरा के रोपते हैं। और ये देखिए, ये एक भाउजू है और वो एक शादीशुदा वो है। ये तीन भाउजू है, खाली ये लड़की तो सिंगल है। कोई भी लड़का अगर वो है अवेलेबल है तो इस लड़की को पटा सकता है। और यहाँ पे ये भी भाउजू है, यहाँ पे मतलब सभी भाउजू है, बस ये लड़की सिंगल है, इसको आप पटा सकते हो गाइस। देखिए कितना अच्छा मुस्कान है उसका। तो गाइस ये देखिए, यहाँ पे सारा खेत ही खेत है हमारे यहाँ पे। ये सारा खेत खत्म होने में अभी 15 दिन में तो सब खत्म हो जाएगा। ये सारा जमीन हम लोग का ही है, हम लोग बहुत धनी है गाइस। किसी को भी धान चावल का कोई भी दिक्कत हो तो हमारे यहाँ पे आ सकता है। और ये सारा जमीन जितना भी आपकी आँख से दिख रहा है यहाँ पे, सब भी हम लोग का है। ये रोपनी देखिए, किसी को भी चाहिए तो आप लोग कांटेक्ट कर सकता है, ये लोग एकदम अवेलेबल है रोपने के लिए इस बार बरखा के सीजन में। और ये रोपनी सब ढिंगोला से डिब्रूगढ़ डिस्ट्रिक्ट का है, तो किसी को भी कांटेक्ट करिए, कहाँ भी हो, फ्लाइट से जाना पड़े तो भी जाएगा, सिर्फ 200 रुपये हाजिरा बस। आप लोग कॉन्टेक्ट कर सकते। आप लोग का अगर जमीन में मतलब धान नहीं भी होता है तो डिस्टिल वाटर खरीद के होने से भी पानी मतलब वो करके बुका करके आप लोग बुलाइएगा। और यहाँ पे वो देखिए, हम लोग के मिस्टर शर्मा सर हल जोत रहे हैं, मेरे पापा जी यानी कि, वहाँ पे देखिए गांव का जगह है, बहुत अच्छा लगता है ऐसे खेती वेती करने में, देखने में। जो जो नहीं देखे होंगे वो भी देख लीजिए, ये भी हम लोग का ही ज़मीन है, ये भी जोता जा रहा है। उस दिन ट्रैक्टर लाया हुआ, वीडियो तो आप लोग ने देखा ही होगा, ये वही ट्रैक्टर देखिए कैसे चल रहा है बसंती। तो गाइज अभी ज़्यादा बड़बड़ करने से तो नहीं होगा, थोड़ा बहुत धान भी रोपना पड़ेगा। हमारा रोपा हुआ वीडियो कौन बना देगा पता नहीं। ये देखिए, एक मिनट में इतना रोप लिया, आज दिन भर में 10-15 दो बार रोप देगा। तो गाइस देखिए, हम भी धान रोप रहे हैं यहाँ पे, देखिए बहुत रोप लिया है वो। गाइस हम तो धान रोप रहे हैं, आप लोग भी आइए थोड़ा हेल्प करने के लिए। देखिए कितना दुख सुख जिंदगी ऐसा ही है, क्या करेगा। दुख सुख जिंदगी 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 ठंड हुआ फिर भी घमंड हुआ। वही तो बोल रहा है हमारा मतलब वो है ना फॉलोअर्स, मतलब हिंदी और नेपाली दोनों है ना, तो दोनों मिक्स करके बोल रहा है। तो देखिए गाइस, ये है कोठिया, इसे कोठिया कहते हैं। और यहाँ पे देखिए, बहुत ही अच्छे से धान रोपते हुए, आप लोग ने देखा भी नहीं होगा, वहाँ पे देखिए सभी लोग कोई आली लगा रहा है, कोई जंगल फाड़ रहा है, जंगल वंगल साफ कर रही है। हमारे बीजू भैया है, देखिए कैसे अच्छे से काम कर रहे हैं। पीछे में बीजू भैया का साठ बोर्ड फट गया है, आप लोग पैसा भेज दिए छोड़ा उनको खरीदने के लिए। तो चारों तरफ ही खेती का सीजन चल रहा है गाइस, चारों तरफ। बस हम लोग मतलब थोड़ा प्रो है तो हम लोग ने पहले ही रोप लिया, अभी कोई नहीं रोपा है, हम लोग ने रोप लिया। हम लोग मतलब थोड़े एडवांस लोग हैं ना इसीलिए। ये देखिए, इनका नाम मतलब वो भी है क्या, पानू भी बोला जाता है इनको, और इनका नाम और क्या है, इबारानी भी है। और यहाँ पे देखिए कैसे प्रो प्लेयर, जैसे
इनके जैसा स्पीड में कोई भी नहीं रोप सकता है। हाँ यहाँ पे देखिए बावजू तो खतरा रोप रही है भाभी जी हमारी, तो हम थोड़ा नेपाली हिंदी मिक्स करके बोल रहा है। तो भाभी जी को कैसा लग रहा है इस बार? तो फास्ट वाली रोपा होगा, अभी तो फास्ट रोपा होगा भाभी जी। बावजू धान रोप के कैसा लग रहा है? अच्छा। बहुत बढ़िया ना। और यहाँ पे देखिए दोनों मिलके रोपे। गाइस वीडियो बनाते बनाते मैंने रोपा हुआ भी खत्म कर दिया है। देखिए गाइस कितना सुंदर दिख रहा है मौसम, आसमान देखिए, यहाँ का गांव का नज़ारा ही अलग होता है। शहर में रहने वाले को पता नहीं होता है गांव का मज़ा। गांव का मज़ा लेना हो तो आप लोग सब आ जाइए, 100 200 जितना भी हो, खाना हम खिलाएगा, खाली धान रोपना पड़ेगा। हम लोग अभी हैं खेत पे, ये देखिए सभी लोग रोप रहे हैं धान बहुत ही अच्छी तरीके से। एक डूबा मतलब हम लोग का पूरा खत्म होने को हो गया है, बहुत ही प्रो है। गांव का मजा ही है ये, खेती बाड़ी करना, अपने घर का सब्जी खाना, अपने घर का धान खाना, वही सबसे बेस्ट बात है। तो चलिए गाइस आप लोग से फिर मिलते हैं। तो गाइस देखिए हम लोग ने इतना रोप लिया है, आधा आधा हो गया है, तो अभी लग गया है सब लोग को प्यास, और मैं जा रही हूँ पानी लेने को। तो चलिए चलते हैं। गाइज मैंने ले लिया है पानी और अभी हम चलते हैं फिर से वापस, लेट्स गो। ये देखिए हम लोग सूरज भैया भाग रहे हैं, इंटरव्यू देने को बोला है। तो ये बहुत बड़े किसान है, ये देखिए ये जमीन का आधा हिस्सा इनका ही है, ये सारा बहुत बहुत बड़े प्रॉपर्टी के मालिक है। किन तपाईँ यस्तो कि एउटा त भन्नु पर्यो, केही भन्दैन, म यस विषयमा एकदम कच्चा मान्छे हो, त्यति साह्रो म जान्दिनँ। राम्रो होस् भन्नु, खेतीपातीमा बहुत कम्ती इन्भल्भमेन्ट भएको मान्छे, त्यति साह्रो एक्सपिरियन्स। हिन्दी नेपालीले हिन्दी खेतीमा जुड्के आपको कैसा लग रहा है? सकते हो आप लोग, पानी पिया जा रहा है, मैं गिलास लाना भूल गई थी, आप लोग भी तो गए थे पानी लेने के लिए। देखिए पानी वाला ब्रेक चल रहा है अभी, ये वाला टोटली यहाँ से वहाँ तक का ये लंबा एक है सीट, इसको रोपा जाएगा अभी। ये है कोठिया और यहाँ पे हमें श्राप देते हुए मिस्टर सूरज बोल रहे हैं कि काश कि ये मोबाइल इस कीचड़ में गिर जाए। ये देखिए मजा लगा था जी। हाँ। बाल लगी यहाँ पे मोबाइल साइकिल नहीं बाल लगी थी शासन भूखा तो। यहाँ पे देखिए ये है हमारी भाभी मिस विनीता उपाध्याय, पहले शुरुआत करते हुए यहाँ पे इन भाभी का नाम हमको पता नहीं है,
और ये लोग तो गांव की बहनें। आपका नाम, आपका नाम क्या है बताइए ना, थोड़ा इधर देखिए। आपका आपका माँ का घर किधर में है? देखना, मैं देखो तो यहाँ। हाँ, और शादी कब हुआ आपका? भाभी को पूछा ना। और मिस बिंदा ऊपर है, थोड़ा आप इंटरव्यू दे दीजिए। आपको मतलब जागुन से यहाँ आके धान रोप के कैसा लग रहा है, कैसा फील हो रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। और आपको मतलब आपके आपके पति तो पहले मतलब जब जब लव हुआ था तब तो बोले होंगे रानी बना के रखेगा बोल के, अभी नौकरानी बना दिया। देखिए देखिए मिस पानू इधर देखिए, आप अभी से सीखे रखिए, कोई भी बोलेगा एक बार हाय बोल दीजिए। हाय। ये देखिए ये सिंगल लड़की वही है, देखिए लाइन मार सकते हो आप लोग, बाकी सब मिंगल है, इन लोगों को लाइन मत मारना, ये सब मिंगल है। तो गाइस ज़्यादा बात करने से भी नहीं होगा, हम लोग यहाँ से शुरू करने वाले हैं, तो मैं थोड़ा दिखाने की कोशिश करूँगी आप लोगों को, चलिए जुड़े रहिए। यहाँ डाटे दीब यहाँ का जमीन थोड़ा मतलब गीला नहीं हुआ है अच्छे से, तो इसलिए यहाँ पे थोड़ा सा स्लो हो रहा है, तो देखते रहिए। अभी थोड़ा जब वो कीचड़ है ना उसकी तरफ जाएंगे तो थोड़ा अच्छे से वो रोप पाएंगे। हाँ बोलो। जमीन तो झरना दीदी का ही है। हाँ तो जमीन तो अच्छा करने का झरना दीदी का चाहिए था। हाँ वही तो, देखो ना हम लोग, हम इस बार ट्रैक्टर नहीं सिखाया ना, हम ट्रैक्टर चलाना सीख जाएगा तो देखना तुमको, तुम सूच सूच के रोप पाएगा। हाँ खड़ा होकर रोपेगा, अच्छा हाँ कमर भी अच्छा होगा। तो गाइस हम लोग को चाय पीना था तो मैं आ गई हूँ चाय लेने, और पानी भी नहीं था वहाँ पे तो पानी लेने, मेरा हुलिया देखिए गाइस, वाओ क्या ही मैं लग रही हूँ खूबसूरत माशाल्लाह। तो गाइस देखिए मैं फिर से घर आ गई थी, तो अभी मैं फिर पानी लेके चाय लेके, मम्मी चाय लेके जा रही है और मैं जा रही हूँ पानी लेके, तो चलिए चलते हैं। वो रही मम्मी किधर गए, वो रही। तो आज हम लोग का जो धान रोपाई वो शुरू हो चुका है, तो मेरा हुलिया देख लीजिए, वाओ कितनी खूबसूरत लग रही हूँ मैं तो। तो मैंने चाय लेने भी आई थी और मैंने खाना भी खा लिया गाइस, तो चलिए अब मिलते हैं खेत में। तो फाइनली गाइस अभी मैं आके पहुंच चुकी हूँ। भाई ये देखिए जो शुरू किया था हम लोग ने वो अभी ख़त्म हो चुका है यहाँ से लेकर के, तो चलिए गाइस अभी चाय पार्टी करते हैं, चाय पार्टी सुप्रीमेसी। हाँ वो देखिए सभी लोग एक्साइटेड हो जाते हैं, कैमरा देखिए यहाँ पे देखिए गाइस, आप लोगों को मतलब देख के वो लोग एक्साइटेड हो जाते हैं। यहाँ पे देखिए हम लोग का हॉट हॉट भाभी लोग यहाँ पे धान रोपते हुए, कैसा लग रहा है? थोड़ा जोर से बोलो, जय माता दी। तो देख लीजिए गाइस कितना सुंदर दिख रहा है ना यहाँ का। तो फाइनली देखिए हम लोग का घर का होम मिनिस्टर भी आ गया है एकदम यहाँ पे मैदान पे, और यहाँ पे देखिए ये मैदान फतेह करने के लिए वो एकदम शुरू कर चुकी है। ये हमारी माता जी मिस मुनू सापकोटा, और यहाँ पे है हमारी भाभी जी जो कमर पे हाथ लगा के सासू मॉम तुम भी रोप रही हो बोल के देख रही है टेढ़ो टेढ़ो आँख से, और वहाँ पे बादल देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है, वाओ। और हमारी पानू नेपाली गान गाते हुए बादल बरसा बिजुली बोल रही है,
तो गाइस ये खत्म होने के बाद ही हमारा शुरू होगा चाय पार्टी, और चाय पार्टी सुप्रीमेसी। और हम तभी चाय पार्टी करते करते सभी से बात करेंगे, इंटरव्यू लेंगे, थोड़ा सा कैसा फील हो रहा है। यहाँ पे देखिए ये बकरी लोग सोच रहे हैं रोप लो रोप लो, थोड़ी देर बाद हम ही चबाएंगे बोल के। तो ये जो खेती, जिस खेत में ये हल जो जोता जा रहा है वो भी हम लोग का ही है, और वहाँ से लेकर के एकदम वहाँ तक वो जो आम का पेड़ दिख रहा है वहाँ तक, और इधर से देखिए ये सीधा 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 वो जो दिख रहा है ना वो पेड़, उसके आगे तक हम लोग का है। तो इतना खेती वो करना है, आप लोग थोड़ा हेल्प करने आ जाया करो गाइज, देखो कितना कष्ट हो रहा है। तो देखिए यहाँ पे खेत के बीच में चल रहा है मीटिंग, ये है सीक्रेट मीटिंग, समथिंग सीक्रेट मीटिंग चल रहा होगा। वो भाई साहब क्या खिचड़ी पकड़ा है यहाँ पे, यहाँ पे हो रहा है चाय पार्टी सुप्रीमेसी। देखिए पानू इधर देखो, क्या इतना तुम सुंदर हो, क्यों तुम इतना ऐसे बोला ना, मैं इतनी सुंदर हूँ मैं क्या करूँ क्या करूँ, कर तो एक बार, मैं इतनी सुंदर हूँ मैं क्या करूँ। ए भाई ना एक बार कर ना रामरी। पानो एक बार यो एकदम फास्ट में आता नहीं ब्लॉग में। तो यहाँ पे देख सकते हैं गाइस हमारे यहाँ पे खेती में, आप लोगों के वहाँ पे 15 साल के जो लड़कियाँ होती है वो बोलती होंगी मम्मी मेरे खाना भी बनाना नहीं आता है, मेरे को चाय दो खाना दो। यहाँ पे देखिए खेत में धान भी रोप सकती है, और यहाँ पे मतलब एक्टिंग वैक्टिंग डांस वगैरह सब कुछ आता है, मतलब हो सकता है जंगल में एक शेर को मार के खा जाए किसी को पता नहीं चलेगा। तो चाय पार्टी हम लोग का चल रहा है अच्छे से, हाँ बताइए भाभी जी क्या बोल रहा है। आपको चाय कैसा लगा, एकदम स्पेशल चाय, स्पेशल एकदम अच्छा, बहुत अच्छा। तो हमारा मैडम जी चाय अच्छा लगा है, अच्छा लगा, बहुत अच्छा। कितना अच्छा, 100 में से कितना नंबर देना चाहेंगे आप? 99। और वो 1% किधर चला गया? 1% अच्छा अच्छा अच्छा, कुछ तो कमी था, कुछ तो कमी था लेकिन तुम्हें पता ही नहीं चला। हाँ, बिस्किट का कम। अच्छा तो कंप्लेन करना चाहिए था मैडम जी, शर्मा सर की वाइफ किधर चल गई, वो वहाँ पे खड़ी होके पूरा देख रही है। किसको धार किसको धरा रही है? हाँ ये बीजू भाई कैसा लग रहा है, कैसा लग रहा है तुमको खेती करके, क्या तुम कुछ भी नहीं बोलते हो? आपका साग का डिजाइन कहाँ से लिया गया? साग दिल्ली से भाई साहब, बहुत अच्छा लग रहा है डिजाइन। वो देखिए बगुले उड़ रहे हैं, देखिए कितना सुंदर लग रहा है, वाओ। ओ भाई ये होता है गांव में रहने के फायदे, आपको सब कुछ अच्छे अच्छे नज़ारे भी देखने को मिलते हैं, अच्छा अच्छा खाने को भी मिलता है, और आप खुश भी रहते हो, शहर वालों का कोई वो नहीं होता, क्या जिंदगी होता है वो। देखिए खेत, वाओ कितना अच्छा हो गया है। आगे
आगे की तरफ ले। हाँ आप आओ। एक रख दे, कर दे। पाव जाओ ना। आप देख सकते हैं गाइस, हम लोग अब धान रोपने जा रहे हैं। देख सकते हैं गाइस, यहाँ पे पेन भी ढीला होते हुए काम करते करते बहुत जिंदगी बर्बाद हो गया, मुझे कुछ आता भी नहीं है। गाइस ये है मेरा खेत और ये है सारे खेत में रोपने वाले, रोपने देखा तो रोपने किसके में यहाँ पर गाइस ये वाला भी टुकड़ा हमने खत्म कर दिया है। देखिए यहाँ पे थोड़ा सा है और उधर में थोड़ा सा है, तो ये भी खत्म हो जाएगा। उसके बाद में है ये वाला छोटा सा है ये तो, और खत्म हो जाएगा। हमारा हालत खराब हो गया है गाइस, हम तो काला पीला हो गए और भू भी हो रहा है बहुत सारा। भाई देखो गाइस, ये देखो हाउ ब्यूटीफुल इज दिस। तो गाइस मैं घर आ गई और लोग वहीं पे रोप रहे हैं, थोड़ा सा बच गया है तो मैं घर आ गई और नहा धो के फ्रेश हो लिया। तो आई एम वेटिंग, यहां पे देखिए सब लोग आ गए हैं, मैं तो पहले आ गई। पानी थोड़ा स्मेल कर दो, खत्म हो गया फाइनली। ऐसा कर, भूख लग रहा है, हम लोग खाने के लिए। तो यहां पे कुछ क्या बोलते हैं इसको हिंदी में, क्या क्या था? तो यहाँ पे कुछ झुका है बोल रहे हैं, देखिए हिंदी में क्या बोलते हैं पता नहीं। ये रही हमारी पानू, मिस पानू, वैसे तो डॉन बजाती है लेकिन डॉन डॉन हूँ बोल के दिखाती है, लेकिन एक झुका ने क्या कर दिया हालत पंचर। और यहाँ पे हमारी बुआ यहाँ से रही है, पीछे का टॉयलेट जो है दिख रहा है वो कीजिए। कोई भाउजू नहीं आया दूसरा? अच्छा, तो अभी यहाँ पे साफ सफाई चल रहा है गाइस, बाद में मिलते हैं खाना खाने के टाइम में। तो यहाँ पे खाया जा रहा है खाना, मिस पानू कैसा लग रहा है आपको खाना खा के? खाना अच्छा है कि बुरा है? अच्छा है, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा है। टेस्टी है कि? टेस्टी है। अच्छा जी, तो इधर आपको कैसा लग रहा है? खाने में शर्म नहीं करना चाहिए, खाना दबा के खाना चाहिए। तो यहाँ पे खाना खाया जा रहा है गाइस, और यहाँ पे है मिस बिंता, ये भी खाना खा रही है। खाने में आज क्या क्या है यह देखिए, ये है आम का अचार, ये पापड़ है, और ये पापड़ के ऊपर ये लाल लाल जो दिख रहा है वो भूत जोलोकिया है, और इधर है भात दाल, और ये चना और आलू की सब्जी, और ये है हमारी बिल्लो रानी। बिल्लो रानी कहो तो अभी जान दे दू। तो बिल्लो रानी देख रही है कि काश कोई मेरे को भी पूछ ले खाना खाने के लिए, काम ना सही, मैं तो करती हूँ। तो गाइस चलिए अब अंडा खाते हैं, और सेम माई फेवरेट कॉर्नर पे बैठ के, और ब्लॉग को एंड करने का समय भी आ गया है, थक भी गए हैं बहुत। तो बाय बाय, हैव अ गुड डे, और मिलते हैं अगले ब्लॉग पे कुछ नया अंदाज में, कुछ नए तरीके से शुरुआत करते हुए। तो बाय बाय, सायोनारा, टाटा, लव यू ऑल।